आज का सब्जेक्ट है इस्नोमनिया, अनिंद्रा यानी कि स्लीपलेसनेस, स्वाभाविक नींद का अभाव। मैं डॉक्टर रविंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से, आज नींद की प्रॉब्लम के ऊपर वर्णन करते हैं। नींद एक बहुत जरूरी स्तंभ है जीवन का और स्वस्थ रहने का। अगर अच्छी नींद नहीं आती तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। अनिंद्रा के कारण में मानसिक रोग और शारीरिक रोग और एक बाह्य रोग, हमने ये तीन प्रकार के कारण देखे। मानसिक रोग में भय होना, अपने जीवन का भय होना, अपने धन दौलत का भय हो जाए, अपने संतान का भय, समाज का भय, मान का भय। जब आदमी को किसी प्रकार का भय लगा रहता है तो उसकी नींद उड़ जाती है। शोक होना, कोई ऐसी घटना हो जाए, आदमी शोकग्रस्त हो जाए, तब भी निद्रा का नाश हो जाता है। कोई सदमा लगना या कोई चिंता लगना, किसी फेलियर की चिंता होनी या किसी भी प्रकार की चिंता होना, घबराहट और बेचैनी, ये मानसिक रोग हैं, मानसिक वेग हैं और ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं और नेगेटिव होकर के आदमी की निद्रा नाश होती है। शारीरिक में किसी रोग की पीड़ा के कारण, किसी रोग से मर जाने के भय के कारण, पेट में दर्द के कारण, पेट के रोगों के कारण, आंत्रदाह यानी कि पेट के जलन के कारण, टाइफाइड के कारण, इन्फ्लुएंजा के कारण, सिर दर्द के कारण, टीबी के कारण, दमा होने के कारण और ऐसे ही रोग एक मधुमेह, जिसमें रात को आदमी बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, उसमें निद्रा का नाश होता है। और कैंसर की पीड़ा, इस प्रकार के रोगों में पीड़ा इतनी होती है कि आदमी सोने की सोच ही नहीं सकता, और जब नींद नहीं होगी तब उसको और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। बाह्य कारणों में है शोरगुल होना और ब्याह शादी में जैसे शोरगुल होता है तब नींद का नाश हो जाता है, या किसी कंपनी में आवाज़ चलती रहे और आपका घर पास में ही है तो आपको निद्रा का ह्रास होगा। बाह्य कारणों में किसी आपदा का होना, आंधी तूफान का चलना, अत्यधिक बारिश होना, ऐसे समय पर भी व्यक्ति के नींद का नाश होता है। अब इसके लक्षण, आदमी को अगर अनिद्रा हो तो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके क्रोध में वृद्धि हो जाती है और उसकी मानसिक शक्ति कम हो जाती है, उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, भूख नहीं लगती और पेट में जलन
और गैस रहने लगती है। किसी भी कार्य को अगर वो करना चाहे तो उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, तो अपने कार्य को ठीक सुचारू रूप से वो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये रोग घटने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है और एक अनिद्रा कई रोगों का कारण बन जाती है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश दवा में अंग्रेजी दवा की जो स्लिप टेबलेट होती है, नींद की गोलियां होती है, उसका सहारा ना लें, क्योंकि उसके खुद के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं आपको घरेलू इलाज बता देता हूं कुछ, अगर उनसे ठीक नहीं होता तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से। आपके आसपास जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता हो और सही तजर्बा हो तो उनसे आप इलाज कराएं, अपना डायग्नोस कराएं कि क्या कारण है। शतावरी का चूर्ण, शतावरी एक का चूर्ण आता है, मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा आपको। उसको दूध में डाल करके खीर बनाएं, यानी कि उसको गाढ़ा कर लें और फिर उसमें थोड़ा सा घी डाल करके आप खाएं डेली। साथ में आप ब्रह्मी, वच और आंवला, इसके चूर्ण की पंक्ति एक चम्मच सवेरे एक शाम लें तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। काहू रोगन कद्दू, रोगन कद्दू ये एक तेल है, ये रात को सोते समय अपने सिर पर और तलवे में लगाएं, पैरों के तलवे में तेल की मालिश करने से भी नींद ठीक आने लगती है। रात को सोने से कुछ देर पहले आप केला छील करके उस पर भुने हुए जीरे का पाउडर लगाकर एक चम्मच के करीब उस पर लगा कर खाएं। और फरहद की छाल का चूर्ण 5 से 10 ग्राम आप सवेरे शाम पानी से लें तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ये एंटी स्लिप की तरह, सॉरी, ये नींद की गोली की तरह नहीं है कि आपने नींद की गोली ली और 10-15 मिनट में ही आपको नींद आ गई, लेकिन अगर आप इसका थोड़ा अभ्यास करें 2-4 दिन के बाद आपको अच्छी गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है और तत्काल की परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। खुरासानी अजवाइन आप 200 mg यानी कि आधा 1/4 चम्मच के करीब खुरासानी अजवाइन, आधा 1/4 से आधा चम्मच तक आप पानी से लेकर के सो जाएं तो आपको नींद आ जाएगी। गिलोय की जड़ का क्वाथ गुड़ में पका करके रोज लेने से बहुत गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है। और एक रसोई का इलाज है, बैंगन को आप भून करके, जैसे भुरता बनाने से पहले भूनते हैं तो उसका मिक्सी में पेस्ट बना करके छान करके उससे उसका रस निकाल लें और शहद में मिला करके आप लें। और एक चूर्ण आता है अश्वगंधा चूर्ण, ये रात को दूध के साथ एक चम्मच लेकर सो जाएं तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बनफ्सा का तेल, ये एक नशे के इस तरह इस्तेमाल करना है। बनफ्सा का तेल की एक दो बूंद या 3 बूंद तक आप अपने नाक में डालें और इससे आपके नींद की सिर की वायु जो कुपित है वो शांत हो जाएगी और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। अपने भोजन में सुधार करें, प्याज का प्रयोग करें। आप सोने से 1 घंटा पहले आप अपना भोजन करें और सोने से थोड़ी देर
पहले ही 15-20 मिनट या आधा घंटे पहले ही आप दूध पी लें तो आपको नींद ज़रूर आएगी, अच्छी नींद आएगी। और पाई का साग भी खाया करें। मानसिक दबाव के कारण या मानसिक कोई कारण है, टेंशन है, चिंता है, कुछ भी है, उसका आप उपाय करें। किसी भी समस्या का, किसी भी तरह की समस्या का उपाय ज़रूर होता है, आप उसको खोजें, न कि बार बार समस्या को याद करें। आप समस्या को लिख लें और उसका समाधान क्या है वो भी लिख लें। तो परमात्मा ने चाहा कि आपको अपने आप ही उस उपाय पर चलने से समस्या का समाधान मिल जाएगा और नींद भी खूब अच्छी आएगी। सोने से पहले आप ये सोच कर चलें कि परमात्मा ने आज का दिन हमें बहुत अच्छा कटवा दिया है, नहीं तो आज के दिन पता नहीं कितने लोगों का कितना महान नुकसान हुआ है, प्राण तक भी चले गए हैं और मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सब ठीक हैं। तो शुक्रिया करें परमात्मा का पूरा दिन का गुजर जाने का, और अगले दिन के लिए प्रार्थना करें और आप अच्छी तरीके से बहुत डीप नींद को प्राप्त हों। डीप नींद दूसरी भी होती है। नमस्कार।